हेलो एवरीवन आज हम स्टार्ट करेंगे एनाफेस प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स और एस सी एफ एनाफेस प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स और एस सी एफ क्या होते हैं कहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोनों कॉम्प्लेक्सेस का बेसिक मैकेनिज्म पाथवे सेम है केवल डिफरेंस है उसके टारगेट एक्शंस में कि वो किस टारगेट प्रोटीन पे रिएक्ट करते हैं केवल ये बेसिक डिफरेंसेस है उनकी मैकेनिज्म में स्लाइटली डिफरेंस है जो हम स्टडी करेंगे कैसे एनाफेस प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स और एस सी एफ डिफरेंट है सबसे पहले हमने सेल साइकिल पढ़ा था सेल साइकिल जिन्होंने सेल साइकिल का वीडियो नहीं देखा हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेल साइकिल की लिंक शेयर की गई है आप वहां जाके सेल साइकिल का बेसिक पार्ट स्टडी कर सकते हैं हमें याद हो तो हमें ध्यान है सेल साइकिल में हमने दो फेजेस में डिवाइड किया था इंटरफेज और एम फेज इंटरफेज को फिर हमने बेसिक फेजेस में डिवाइड किया था जी वन फेज एस फेज जी टू फेज और एम फेज को फिर हमने डिफरेंट पार्ट में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में डिवाइड किया था केरियोकाइनेसिस मतलब प्रोफेस मेटाफेज एनाफेस और टीलोफेस साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन फर्स्टली न्यूक्लियस डिवाइड होगा देन साइटोप्लाज्म डिवाइड होंगे और फिर एक सेल से दो नई डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा अब कहाँ पे एनाफेस प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स और एस रोल प्ले करते हैं वो देखेंगे बहुत ही शॉर्ट वीडियो है बहुत ही बेसिक पार्ट है एपीसी और एस का बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम एन की स्टडी करते हैं तो एन की स्टडी में हमें यदि एपीसी और एस का रोल पता हो तो हम इजिली समझ सकते हैं कि एपीसी क्या रोल प्ले कर रहा है ठीक है तो चलते हैं एनअफेस प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स और एस दोनों ही यूबिक्यूटिन लाइगेस फैमिली के मेंबर हैं किसके बेसिकली यूबिक्यूटिन लाइगेस फैमिली के मेंबर एनअेस प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स और एस दोनों ही यूबिक्यूटिन लाइगेस फैमिली के मेंबर हैं यूबिक्यूटिन लाइगेस का इट मीन पोलियोबिकुटिलाइजेशन कराएंगे किसी भी प्रोटीन का डिग्रेडेशन कराएंगे कैसे यूबिक्यूटिन ग्रुप को ऐड करके उस टारगेट प्रोटीन पे यूबिकुटीन ग्रुप को ऐड करेंगे और उसका पोलियोबिकुटिलाइजेशन कराएंगे ठीक है अब कैसे मैकेनिज्म चलेगी एपीसी और एससीएफ कैसे डिफरेंस होंगे वही हम स्टडी करते हैं सबसे सब पहले बात करते हैं सिंपल सी बात है दोनों लार्ज प्रोटीन है मल्टी सब यूनिट प्रोटीन है एनाफेस प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सेज हो गए या एस हो गए दोनों लार्ज मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्सेज हैं रेगुलेटरी प्रोटीन हैं अब कहाँ कैसे रेगुलेशन प्ले करेगी वो देख लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं एपीसी की एनाफेस प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्सेस की क्या होते हैं कैसे वर्क करेंगे सबसे फर्स्ट हम स्टडी करेंगे एपीसी की कि एपीसी होते क्या हैं तो एनाफेस प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स हमने देख लिया दोनों ही किस फैमिली के मेंबर है यूबीटी लाइगेस फैमिली के मेंबर हैं ए के बारे में ही कहा जाता है कि ए बेसिकली वो रेगुलेटरी प्रोटीन है जो मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन में रोल प्ले करती है किसमें मेटाफेज सेल साइकिल की एम फेज की स्टेज मेटाफेज टू एनाफेज जब सेल मेटाफेज से एनाफेज में जाती है तो उस स्टेज में कौन रोल प्ले करते हैं एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्सेस मतलब एनाफेज में जाते से ही इस स्टेज तक हमने देखा था एम सी डी के साइक्लिन एक्टिवेट रहते हैं हमने अलग अलग स्टेज थी जब एम फेज आती है जब सेल साइकिल की एम फेज आएगी तो एम फेज में लेट जी टू से एक्टिवेशन हो जाता है एम सी डी के साइकिल का लेट जी टू से एक्टिवेट होते हैं और एम फेज तक उसका लेवल कैसा हो जाता है हायर या पीक लेवल पे आ जाता है मिड पॉइंट पे मिड एम लेवल पे उसका लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है या डिग्रेड होने लगता है मतलब कह सकते हैं ये स्टेज जहाँ पे ये प्रोफेज आपकी ये मेटा फेज एना फेज में एंट्री के साथ ही एम सी डी के साइक्लिन का लेवल क्या होने लगता है धीरे धीरे कम होने लगता है मतलब साइक्लिन कहीं ना कहीं डिग्रेड होने लगेगी साइक्लिन का डिग्रेड होना साइक्लिन का डिस्ट्रक्शन होना कैसे होगा वही हम स्टडी करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह हमने देखा था सेल साइकिल के सीडी के साइक्लिन में कि एस सी डी के साइक्लिन बेसिकली ये एम फेज है यहाँ आपकी जी टू और यह बेसिकली आपके हो गई एस फेज एस सी डी के साइक्लिन का लेवल लेट जीवन से स्टार्ट होता है और एस फेज में पीक पे पहुंच जाता है और कहाँ तक मेंटेन रहता है मिड ऑफ एम फेज तक मिड एम फेज तक एस सी डी के साइक्लिन का लेवल हाई रहता है मिड एम फेज में ही एस सी डी के साइक्लिन का लेवल भी धीरे धीरे क्या होने लगता है कम होने लगता है मतलब कह सकते हैं एस साइक्लिन का डिग्रेडेशन या डिस्ट्रक्शन भी कहाँ होता है एम मिड एम फेज में मिड एम फेज में ही क्या होता है एस साइक्लिन भी डिग्रेड होंगे और एम साइक्लिन का भी डिस्ट्रक्शन होगा मतलब कह सकते हैं एस सी डी के और एम सी डी के इनएक्टिवेट हो इनएक्टिव हो जाएंगे बहुत ध्यान से समझिएगा मतलब एपीसी की टारगेट प्रोटीन कौन होगी एपीसी की टारगेट प्रोटीन होगी एम साइक्लिन एम साइक्लिन सी डी के कॉम्प्लेक्स प्लस एस साइक्लिन सी डी के कॉम्प्लेक्स के कॉम्प्लेक्सेस एम और एस साइक्लिन सी के कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करने का काम ही कौन करेगा एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्सेज इन साइक्लिन प्रोटीन से पोलि ग्रुप को या यूबिक्यूटिन ग्रुप को ऐड करते जाएंगे और उसका पोलियूबिक्यूटिलाइजेशन करा देंगे बट क्या हमेशा ए एक्टिवेट रहते हैं नहीं कोई ऐसी प्रोटीन जरूर होगी जो ए को एक्टिवेट करेगी और ए एक्टिवेट होंगे तो एम साइक्लिन का डिग्रेडेशन कराएंगे एक और बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पीसी की एक और टारगेट प्रोटीन होती है जिसे कहा जाता है सेक्यूरिन ध्यान रखिएगा सेक्यूरिन सेक्यूरिन सेक्यूरिन्यूरिन को ब्लॉक करके रखती है अब सेक्यूरिन क्या होते हैं क्या होते हैं कोहेसिन क्या होता है कंडेंसिन क्या होता है सब अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिक ओवरव्यू ध्यान रखिएगा हमने देखा था कि मेटाफेज में जितने भी सेल्स से है वो कहा इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं सिस्टर सारे स्पिंडल फाइबर्स का सेपरेशन होना सिस्टर सिस्टरक्रोमेडेट का सेपरेट आउट होना उसके बीच के स्ट्रक्चर का टूटना ये सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे क्या होता है कंडेंसिंग प्रोटीन से कैसे जुड़ी होती है कोहेसिन प्रोटीन कैसे दोनों सिस्टर सिस्टरक्रोमेडेट्स को आपस में होल्ड करके रखती है वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे बेसिकली ध्यान रखिए जो सेक्यूरिन होता है वो सिस्टर सिस्टरक्रोमेडेट को होल्ड करके रखता है ये सेक्यूरिन सेपरेस को ब्लॉक करके रखता है सब डिटेल में पढ़ेंगे केवल ओवरव्यू देखिए एनाफेस प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स इस सेक्यूरिन का भी प्रोटोलाइसिस करा देगा फर्स्ट एनजाम सिंपल सी बात है कि एनाफेस प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या करेगा इस प्रो सेक्यूरिन की भी प्रोटियोलाइसिस करा देगा प्रोटिलाइसिस मतलब दो टारगेट एनजेम हो गए एनाफेस प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स के एम साइक्लिन और एस साइक्लिन सिटी के कॉम्प्लेक्सेस और सेक्यूरिन इसकी भी प्रोटियोलाइसिस करा देगा थ्रू यूबिक्यूटिन ग्रुप यूबिकुटिन ग्रुप का अटैचमेंट होगा और इसकी प्रोटियोलाइसिस हो जाएगी वैसे ही क्या होगा सेक्यूरिन के थ्रू भी उसके यूबिकटिंग ग्रुप अटैच होंगे और उसकी प्रोटिस हो जाएगी अब कैसे वर्क करेगा कहाँ कहाँ इसका मोड ऑफ एक्शन होगा कैसे एपीसी एक्टिवेट होंगे वही हमें देखना है सबसे पहले देखते हैं एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जैसे ही सेल मेटाफेज से एनाफेज में एंटर करती है जैसे ही सेल साइकिल के हमने देखा था सिक्वेंशियल पाथवे चलेगा जीवन से एस एस से जी टू जी टू से अब सेल कहाँ एंटर कर गई एम फेज में एम फेज में भी डिफरेंट डिफरेंट फेजेस थे प्रोफेज मेटाफेज एनाफेजीफेज जैसे ही सेल मेटाफेज से एनाफेज में एंटर करके गई उस समय क्या होगा आपके एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्सेस क्या हो जाएंगे बेसिकली एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्सेस एपीसी ये अभी इनएक्टिव कंडीशन में थे मेटाफेज तक कैसे थे इनएक्टिव कंडीशन में जैसे ही एनाफेज में एंट्री करेंगे एनाफेज के पास क्या था आपका बेसिकली एनाफ एस के पास एक प्रोटीन सब यूनिट थी जिसे कहा जाता है सी डी सी ट्वेंटी सी डी सी ट्वेंटी ये सी डी सी ट्वेंटी जैसे ही ए पी सी से ज्वाइन होंगे उससे जुड़ेंगे एनआफेस प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को कैसा कर देंगे एक्टिव एनआफेस प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या हो चुके हैं एक्टिव हो चुके हैं अभी जब मेटाफे जिस्ट्रिक ए पी का लेवल कैसा था इनएक्टिव कंडीशन में जैसे मेटाफेज से गए ये में किससे जुड़ जाएंगे सी डी सी ट्वेंटी से सी डी सी ट्वेंटी से जुड़ेंगे तो ये कैसे हो जाएंगे एक्टिव कंडीशन में सी डी सी ट्वेंटी या सी डी एच वन सी डी एच वन भी इन्हें क्या करेगा एक्टिव करने का काम करेगा ध्यान रखिएगा सी डीसी ट्वेंटी से जुड़े या सी डी एच वन से जुड़ेंगे तो कैसे हो जाएंगे एपीसी एक्टिव हो जाएंगे लेकिन कब सी डी एच वन की जो बात हो रही है वो लेट माइटोसिस के स्टेज में या अर्ली जीवन की फेज की बात होगी अर्ली जीवन या लेट माइटोसिस या लेट एम फेज की बात जैसे ही एनअफेज की बात होगी आफ्टर एनआफेज सी डी एच वन वर्क करने लग जाएंगे एनअेज की स्टेज में कौन एक्टिवेट होंगे सी डी सी ट्वेंटी ठीक है तो बेसिकली ध्यान रखिए जैसे ही सेल मेटाफेज से एनाफेज में एंटर हुई एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स सी डी सी ट्वेंटी प्रोटीन के साथ जुड़ा और उसे एक्टिव कर दिया अब एक्टिव होने के साथ ही सिचुएशन कैसी हो जाएगी कंडीशन क्या होगी सबसे पहले एम साइक्लिन सी के कॉम्प्लेक्स जो एम फेज के मेटाफेज स्टेज तक एक्टिव थे ये साइक्लिन हो गई आपके ये साइक्लिन, साइक्लिन और ये उसके साथ क्या जुड़ गया बेसिकली सी के ये सी के जुड़ चुके हैं और ये साइक्लिन है ये कौन से एम साइक्लिन सी के कॉम्प्लेक्सेस एम साइक्लिन सी के कॉम्प्लेक्स ये एम साइक्लिन सी के कॉम्प्लेक्स कैसे थे एक्टिव कंडीशन में थे कब तक मेटाफेज स्टेज तक जैसे ही सेल सेल साइकिल की एनफीज स्टेज में एंटर करके गई अब उस कंडीशन में ए का एक्टिवेशन हो चुका है ये ए जो एक्टिवेट हो चुके हैं ये क्या करेंगे एम साइक्लिन से यूबिक्यूटिन ग्रुप को ऐड कर देंगे ये आपके एम साइक्लिन सी के कॉम्प्लेक्सेस ये एम साइक्लिन सी के कॉम्प्लेक्स एम साइक्लिन सी के कॉम्प्लेक्स ऐड यूबिकुटिन ग्रुप यूबिक्यूटिन ग्रुप को कौन कर देंगे एडिशन हो जाएगा यूबिक्यूटिन ग्रुप मल्टीपल यूबिकुटिन ग्रुप के एडिशन हो जाएगा ई वन ई टू किस टारगेट प्रोटीन से जिस प्रोटीन का आपको प्रोटिवलाइसिस करानी है इस एम सी डी के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स का क्या करानी है प्रोटिवलाइसिस करानी है हमें एम साइक्लिन सी डी के कॉम्प्लेक्स की तो इससे कौन जुड़ जाएगा यूबिक्यूटिन ग्रुप आके जुड़ जाएगा पोली यूबिकुटिलाईजेशन हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा पोली यूबिक यूटिलाइजेशन पोली हो जाएगा जैसे ही पोलि यूबिकुटिलाईजेशन होगा इससे क्या हो जाएगा मल्टीपल यूबिकुटिंग ग्रुप अटैच हो जाएंगे ये सी डी एच वन अब क्या हो जाएगा इससे बेसिकली यहाँ ध्यान रखिएगा यहाँ लिख रहे सी डी एच वन पोलिकलाइजेशन हो जाएगा मल्टीपल यूबिकुटिंग ग्रुप ऐड हो जाएंगे जैसे ही मल्टीपल यूबिकुटिंग ग्रुप ऐड हुए इसका क्या हो जाएगी प्रोटेलाइसिस या डिग्रेडेशन इसका क्या हो जाएगा बेसिकली डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन हो गया इसका एम साइक्लिन सी डी के कॉम्प्लेक्स का डिग्रेडेशन हो गया या हो गई बाय प्रोटीम प्रोटियोलाइसिस कैसे हुई हमने देखा किसको एक्टिवेट इस एम साइक्लिन सीडी जगह एस साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स भी डिग्रेड हो सकते हैं मैकेनिज्म कैसे चलेगी एज इट इज एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एंटर के गए एस साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स का लेवल उस टाइम हाई था एन एफ एस प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हुए उन्होंने एस साइक्लिन सि के कॉम्प्लेक्स के साथ यूबिकुटिंग ग्रुप को ऐड किया जैसे यूबिकुटिंग ग्रुप को ऐड करेंगे उसका क्या हो जाएगा डिग्रेडेशन या प्रोटीलाइसिस हो जाएगी बाय प्रोटियोसोम के थ्रू उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा ये था एन एफिस प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्सेज कैसे एक्टिवेट होते हैं कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा ध्यान रखिएगा सी और सी डी सी ट्वेंटी ये दोनों किसको एक्टिवेट करते हैं एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्सेस को कब कब एक्टिवेट करते हैं सीडीसी ट्वेंटी एक्टिवेट रहता है एनाफेज स्टेज में सी डी एच वन एक्टिवेट रहता है लेट माइटोसिस स्टेज में या लेट एम और अर्ली जीवन में ठीक है ये एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्सेस कब तक एक्टिवेट रहेंगे अर्ली जीवन फेज तक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखिएगा एनाफेज में तो ये एक्टिवेट है ही सही आपके कब तक एक्टिवेट रहेंगे अर्ली जीवन फेज तक यह एक्टिवेशन बना रहता है अर्ली जीवन फेज में ही जाके ये क्या करते हैं इनएक्टिव होते हैं और जैसे ये इनएक्टिव होंगे जीवन के साइक्लिन और सीडी के कॉम्प्लेक्सेस एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये था आपका इनाफेस प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं कैसे वर्क करते हैं ये हमने देखा इसी के साथ साथ हम एक एस सी एफ यूबिकुटिन लाइग फैमिली का मेंबर और देखते हैं कि एस सी एफ प्रोटीन और एपीसी प्रोटीन में डिफरेंस क्या है जब दोनों ही प्रोटेस कराती है किसी भी प्रोटीन का तो फिर दोनों को अलग अलग स्टडी क्यों करते हैं बहुत बेसिक डिफरेंस है ध्यान रखिएगा यह भी क्या करेगी एन एफ एस प्रोमोटिंग बट किसका सेक्यूरिन का और एम साइक्लिन और एस सी डी साइक्न सी डी का कॉम्प्लेक्सेस का ठीक है अब एस सी एफ की बात करते हैं कि SCF क्या होता है एस सी एफ भी यूबिकुटी फैमिली -like का मेंबर है एस सी एफ भी बेसिकली क्या है एस सी एफ इस फैमिली -like का है, मल्टीपल सब यूनिट से मिलकर बना होगा, लार्ज मल्टीपल प्रोटीन स्ट्रक्चर है लार्ज मल्टीपल सब यूनिट की स्ट्रक्चर है मल्टीपल सब यूनिट से मिलकर बना होगा। अब एस सी एफ केस में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एस सी एफ बेसिकली इनिबिट्री प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन कराता है सीके आई का डिस्ट्रक्शन कराता है एपीसी किसका डिस्ट्रक्शन कराता है सेक्यूर एम साइक्लिन और एस साइक्लिन सी डी के कॉम्प्लेक्स का एस सी एफ डिस्ट्रक्शन कराएगा बेसिकली आपके इनिबिटरी प्रोटीन इनिबिटर प्रोटीन इनिबिटर प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन कराएगा या सी आई कहा जाता है सीके आई में मतलब सी डी के इनिबिटर प्रोटीन सी डी के इनिबिटर प्रोटीन या काइनेजेस वो एंजाइम प्रोटीन जो सी डी के एक्टिविटी को इनहिबिट करती है एम साइक्लिन सी डी के कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करती है कौन कौन से प्रोटीन्स हो सकती है बेसिकली आपका देखा जाता है पी ट्वेंटी सेवन पी ट्वेंटी वन पी सिक्सटीन जो मेमल्स केस में बात की जाती है ये तीनों इनहिबिटर प्रोटीन है इन तीनों का भी डिटेल रोल पड़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है P21 कब सिक्रीट होती है डीएनए डैमेज होता है तब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर P21 को सिक्रीट करता है कैसे सेल साइकिल मूव करती है तीनों बस अभी सिंपल सी बात ये ध्यान रखिए ये तीनों कैसी है इनिबीटर प्रोटीन जो एम साइक्लिन सी डी के कॉम्प्लेक्स को इनिबिट करेगी किसको इनिबिट करेगी बेसिकली एम साइक्लिन सी डी के कॉम्प्लेक्स को इनिबिट करेगी अब सीके आई कैसे और एस सी एफ कैसे वर्क करता है एस सी एफ जो है एस के स्ट्रक्चर में एक बॉक्स होता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखिएगा एस के स्ट्रक्चर में एक बॉक्स होता है जिसे कहा जाता है एफ़ बॉक्स क्या कहा जाता है उसको एफ बॉक्स ये एफ बॉक्स क्या करता है ये एफ बॉक्स रिकॉग्नाइज करेगा रिकॉग्नाइज करेगा किसको इनिबिटर प्रोटीन को इनिबिटर प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करता है सपोज पी ट्वेंटी सेवन हो गया पी ट्वेंटी वन हो गया या पी सिक्सटीन कोई सी भी इनिबिटर प्रोटीन है उसको रिकॉग्नाइज करता है कौन एफ बॉक्स एस सी एफ सब यूनिट का ही पार्ट है उसी के स्ट्रक्चर का पार्ट है जो रिकॉग्नाइज करेगा इनिबिटर प्रोटीन को लेकिन कब जब उन इनिबिटर प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन हो जाए कब जब फॉस्फोराइलेशन हो जाए उन इनिबिटर प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन होने पर उसको क्या करेगा रिकॉग्नाइज करेगा एफ बॉक्स और जैसे ही एस सी एफ के एफ बॉक्स ने उनको रिकॉग्नाइज कर लिया उस पर यूबिकुटिन ग्रुप ऐड होंगे और उसका पोलियोबिकुटलाइजेशन हो जाएगा कैसे होगा वही स्टेप देखते हैं ध्यान से समझिएगा ये है आपके सीके आई यह क्या है आपके बेसिकली सीके आई कोई भी इनिबिटेड प्रोटीन है जो किसी भी एम साइक्लिन या एस साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स से बाइंड होंगी उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देंगी यदि उसकी एक्टिव साइट ब्लॉक हो गई तो वो साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स फर्दर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा अब सीके आईज है आपके सी के आई सबसे फर्स्ट स्टेज में सीके आई का क्या हुआ एक्टिव काइनेस एंजाइम ने फॉस्राइजेशन कराया काइनेस एंजाइम आया जिसने क्या करा दिया सी के आई का फॉसोराइजेशन ये cki का क्या हो चुका है फास्फोराइलेशन जैसे ही cki का फास्फोराइलेशन होगा अब क्या हुआ cki तो फॉस्फोराइलेटेड हो चुके हैं इस स्टेज में एक्टिवेटेड scf जो एक्टिवेटेड scf थे जिनकी स्ट्रक्चर में क्या था आपके yes cf जिनके स्ट्रक्चर में क्या था एफ बॉक्स प्रेजेंट थे ये क्या था बेसिकली f बॉक्स f बॉक्स प्रेजेंट था ये एफ बॉक्स ये एक्टिवेटेड एफ बॉक्स या एक्टिवेटेड एस सी एफ ये क्या है आपके एस सी एफ एक्टिवेटेड एस सी एफ रिकोगनाइज किसको कर लेंगे सी के आई को ठीक है एक्टिवेटेड एस सी एफ किसको रिकोगनाइज कर लेंगे सी के आई को रिकोगनाइज कर लेंगे क्यों क्योंकि इसका फोस्टोराइजेशन हो चुका है जैसे ही ये इसको रिकोगनाइज करेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा एड यूबिकुटिन ग्रुप यूबिक्यूटिन ग्रुप क्या हो जाएंगे उससे एड हो जाएंगे मल्टीपल यूबिकुटिन ग्रुप्स ऐड हो जाएंगे E1 वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री मल्टीपल यूबिकुटिन ग्रुप ऐड हो जाएंगे और जैसे ही सी के आई से यह एक्टिवेटेड सी के आई जिसका फॉस्फोराइजेशन हो चुका था जैसे ही इससे यूबिकुटिन ग्रुप अटैच होंगे पोलियूबिकुटिलाईजेशन हो जाएगा मल्टीपल यूबिकुटिन ग्रुप अटैच हो जाएंगे जैसे ही यूबिकुटिन ग्रुप अटैच हो जाएंगे इसके क्या हो जाएगी प्रोटिलाइसिस या डिग्रेडेशन प्रोटोलाइसिज हो गई या डिग्रेडेशन हो गया कैसे डिग्रेडेशन हुआ एस ने कैसे डिग्रेड किया एस वो स्ट्रक्चर या वो सब यूनिट जिसके पास एक रिकॉग्नाइजिंग बॉक्स था एफ बॉक्स जो एफ बॉक्स किसको रिकॉग्नाइज करता था इनिबिटर प्रोटीन्स को कब रिकॉग्नाइज करता था जब उनका फास्फोराइलेशन हो जाए जैसे ही इनिबिटर प्रोटीन का फॉस्टोराइलेशन हो गया या सीके का जैसे ही फॉस्राइजेशन हो गया अब फॉस्टोराइलेसन होने के बाद एस सी एफ तो एक्टिवेटेड थे एफ बॉक्स ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि नई इनिबिटेड प्रोटीन फॉस्टोराइलेटेड हो चुकी है उस पर यूबिकुटिन ग्रुप को ऐड कर दिया जाए जैसे ही यूबिकुटिन ग्रुप ऐड करेंगे यूबिक्यूटिन ग्रुप ऐड होते से ही उसका क्या हो जाएगा बेसिकली यूबिक्यूटिलाइजेशन हो जाएगा पॉलिबिकुटिलाइजेशन हो जाएगा मतलब उस प्रोटीन का डिग्रेडेशन हो जाएगा तो एस और ए एन एफ एसमोटिंग कॉम्प्लेक्स दोनों ने ही क्या किया टारगेट प्रोटीन का डिग्रेडेशन कराया डिस्ट्रक्शन कराया बट दोनों की टारगेट प्रोटीन डिफरेंट थी एस सी एफ़ के टारगेट प्रोटीन होती है इनिबिटर प्रोटीन्स बेसिकली क्या होती है ये इनिबिटर प्रोटीन्स इनको रिकॉग्नाइज करता है कब फॉस्फोराइलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखिएगा इनिबीटर प्रोटीन को तभी रिकॉग्नाइज करेगा जब उनका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा

मेटाफेज़ क्या होती है एनाफेज क्या होती है टीलोफेज क्या होती है केरियोकाइनासिस कैसे होगी साइटोकाइनेसिस कैसे हो गई सब में हम देखेंगे अलग अलग बात है यदि एनाफेज पढ़ेंगे तो एनाफेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एस का रोल तो आप स्टेप बाय स्टेप सब जगह देखेंगे चेक पॉइंट्स के, के केस में भी देखेंगे कैसे एक फेज के साइक्लिंग का डिग्रेडेशन हो जाता है कैसे इनिबीटर प्रोटीन आके उसमें बाइंड हो जाती है इनिबीटर प्रोटीन बाइंड हो गए तब हम कहेंगे कि एस आए एस के एफ बॉक्स ने उसने रिकॉग्नाइज किया और उसकी प्रोटोलाइसिस करा दी तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है होपफुली ये वीडियो आपके स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें थैंक यू